मैं खालिद शम्स असिस्टेंट कमिश्नर कुचलाक। आज हमें इतला मिली थी खुफिया इतला के कुछ गोश्त आ रहा है पंजाब से चिकन का, जो ऑलरेडी ज़बा शुदा होता है और उसमें प्राइमरली या तो मुर्दा चिकन ज़बा करते हैं या फिर ख़राब गोश्त यहाँ तक पहुँच के ख़राब हो जाता है। तो वो इतला पे हमारी टीम ने कार्रवाई की, मैजिस्ट्रेट साहब हमारे गए और फूड अथॉरिटी की टीम डीडी साहब की सरबराही में, और हमने गोश्त जिसको हमने कॉन्फिस्केट किया और वो सारा ख़राब हुआ था। ये गोश्त ना सिर्फ कोटा में यूज़ होना था बल्कि चमन के लिए भी कुछ पैकेट्स बने हुए थे और दालबदीन के लिए भी बने हुए थे, तो वो सारा हमने कॉन्फिस्केट किया है। अभी इसको तल्फ कर दिया है और हमारा कोटा की आवाम के लिए ये पैगाम है कि वो इस तरह के गोश्त का बॉयकॉट करें। इस पर ऑलरेडी पाबंदी हैं, तो तीन बंदे हमने गिरफ़्तार किए हैं और जिस बस में लाया गया उसको भी इम्पाउंड कर रहे हैं और उसकी रजिस्ट्रेशन और उसका रूट परमिट भी कैंसिल होगा। तो फ्यूचर के लिए भी ये मैसेज है कि बस वाले ये गोश्त ना ले के आएँ और जो दुकानदार मंगवाते हैं वो भी ना मंगवाएँ, यहाँ से वो ज़िंदा मुर्गी लें, ज़बह करें इसको और फिर उसका गोश्त यूज़ करें ताकि लोगों की सेहत पे भी कोई फ़र्क ना पड़े और ये हमारा एक इस्लामी फरीज़ा भी है कि हम हलाल चीज़ खाएँ। अस्सलाम वालेकुम, कमर जमान डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन बलोचिस्तान फूड अथॉरिटी। ये जैसा कि एसी साहब ने फरमाया, हम भी हमने ये काम किया, इससे पहले भी दो माह पहले हमने तकरीबन 5000 केजी उस वक्त भी पकड़ के तल्फ किया था। उसके बाद पिछले दिनों एसी साहब के तावन से हमने तकरीबन 600 केजी पिछले हफ्ते भी पकड़ा था और उसको तल्फ किया था, और आज ये जो गोश्त है पंजाब से आ रहा था ये तकरीबन 3000 केजी के करीब था। हमारी मतलब कोशिशें हैं और एसी साहब का भी भरपूर तावन है, ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, क्योंकि ये पंजाब से या किसी दूसरी जगह से गोश्त लाने पर वैसे भी पाबंदी है और जब हम इसका लैब टेस्ट करते हैं तो ये वैसे मुजरे सेहत निकलता है।